लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता ने बुधवार को बंद के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगरवासियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि बंद के दौरान नगर में जबरिया दुकानें खुलवाने या बंद कराने के प्रयास करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा बैठक की गई। पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई। कलेक्टर अजय गुप्ता ने एसपी शशिंद्र चौहान और एडिशनल एसपी समीर यादव के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की और शांति भंग का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इच्छावर से रामबाबू वर्मा की रिपोर्ट। मैं अजय गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर सीहोर, अपने सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि जो आह्वान किया गया है बारह बंद का, उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखें। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी कमर कसी हुई है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें। यह अपील मैं एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दंडाधिकारी के रूप में जारी कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।